अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैंने तलाबाद से अभी केक ऑर्डर किया है। अभी 12 बजने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा 12 तक केक आ जाएगा, तो केक ने आने में देर कर दी। तो एहसन भी सो गया, हस्बैंड भी सो गए, हसन भी सो गया, तीनों सो गए। मैं इंतज़ार करती रही केक का। केक आ गया, मैंने शेक्सपियर से ऑर्डर किया था, भाई ने बताया था कि अच्छा है, तो मैंने कहा चलें देखते हैं, इनको ट्राई करते हैं। चले इसी से ही काम चलाते हैं। अभी तो हस्बैंड और बच्चे सो गए थे, मैं इनको विश कर रही हूँ अभी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखें इनके फेस पे स्माइल, ये उठ गए। और ऐसे को रात को वीडियो दिखाई तो कह रहे हैं सुबह में कि मम्मा आपने मुझे नहीं खिलाया केक। मैंने कहा आपके लिए अभी मंगवाते हैं। ऐसे का बस चलता तो ऐसे ही खा लेता। अब अपने बाबा के लिए केक लेकर आया है। ये देखें यहाँ पर ये केक काट रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने केक खूब एंजॉय किया। ये मैंने केक फिर मैंने केक हला चॉकलेट कैफे से मंगवाया था। इनका केक भी यमी था, रात वाला भी अच्छा था, उसमें कोकोनट का टेक्सचर था, और ये भी इनका अच्छा था। चले जी, मैंने केक एंजॉय किया। उसके बाद हसन ने मस्ती की अपने बाबा के साथ, गुब्बारे फोड़ना सिखाया उसको कोक के साथ। फिर मैंने सोचा आज का दिन इनका स्पेशल कैसे बनाएं, तो इनको बिरयानी पसंद है वो बनाएंगे, और उसके साथ साथ घर में स्पंज केक बनाया, इनको बहुत अच्छा लगता है। ले जी आपको साथ साथ उसकी रेसिपी भी दिखाते हैं। और उसके बाद 1 किलो चावल बनाने थे, तो मैंने 1 किलो प्याज लिया था, 1 किलो गोश्त है, और उसको अच्छे से भूना है। फिर टमाटर लिए, टमाटर तीन से चार अदरक, और फिर घर के मसाले डाले जो आप देख सकते हैं। घर के मसाले डालने के बाद, नमक डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैंने इसको सीटी लगाई, सीटी 4 से 5 सीटी बजी तो मैंने उसको निकाल दिया। तब तक हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर दिए। कपड़े इस्त्री करने के बाद फिर मैं गई, और फिर सारा प्रेशर का वो निकल गया था। फिर मैंने बिरयानी मसाला डाल के योगर्ट में वो ऐड किया। मैंने शान का सिंधी बिरयानी यूज़ करती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। फिर उसी ही में मैंने टमाटर और ये हरा धनिया वगैरह सब दिया, और दूसरी पतीली में मैंने चावल बॉयल कर दिए थे। चावल का लेयर लगाया, उसके बाद उसमें जर्दे का रंग डाला, उसके बाद मैंने उसमें गोश्त डाला जो हमने बनाया था, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। फिर चावल डाले, फिर थोड़ा जर्दे का रंग दिया, और उसके बाद दम पे रख दिया मैंने। दूसरी तरफ मैं केक बनाने लग गई। केक की मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, और उसके लिए आपको मेरे दूसरे पेज पे जाना होगा डिटेल वीडियो के लिए। और ये देखिए मैंने फॉइल ली और इसको कवर कर दिया अच्छे से। यहाँ पर हमारी बिरयानी अब तैयार है। फिर पता चला कि गेस्ट आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से उनके लिए पास्ता बनाया। पास्ता की मैं वीडियो लगाना भूल गई, पर आगे आपको थोड़ा सा उसका प्रोसेस दिखाऊंगी। यहाँ पर हो गया केक का प्रोसेस स्टार्ट। चलें आप देख लें, फिर उसके बाद आप मेरे दूसरे पेज पर जो है कुकिंग वाला चैनल, इस पर आप ज़रूर देखिएगा रेसिपीज़ की।